नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, जैसे हमारी धान की जो है अवस्था जो है 55 से 60 दिन की हो जाए तो जो है मुख्य रूप से रस चूसक कीट यानी कि भूरा माहो या भूरा तेला चेपा या फिर BPH कहा जाए तो ये जो है हमारे फसल को नुकसान करना स्टार्ट कर देता है और लगभग इसकी सही तरीके से देखभाल या निगरानी ना किया जाए तो लगभग यह है हमारे 90 से 91% लगभग 95% तक हमारी फसल को नुकसान कर देती है। अब हर साल कंपनियां जो है अलग अलग तरीके से जो है ये रस चूसक कीटों के लिए जो है इंसेक्टीसाइड मार्केट में लाते ही रहती है, लॉन्च करते रहती है और किसान अब हमेशा आधुनिक युग है और आधुनिक खेती करने वाले जो किसान है वो नए नए टेक्निक से ही दवाई का छिड़काव करते हैं और ये भी किसानों के बीच माना जाता है कि जो कंपनियां जो नई दवाई विकसित करती है लगभग वो कम से कम एक साल तो बहुत बेहतरीन उसका जो है परफॉर्मेंस रहता है। तो किसान से साथियों इसी पर जो है सिजेंटा ने एक नई दवाई का लॉन्च किया है जो है भूरा माहो के लिए है, मुख्यतः वो धान के ही लिए लॉन्च किया गया है और भूरा माहो जो है धान में BPH लगती है यानी कि ब्राउन प्लांट हफर, उसी के लिए जो है इसको विकसित किया गया है और बहुत बेहतरीन दवाई जो है इसको बताया जा रहा है। पिछले साल की तुलना में बात किया जाए तो जो है पेक्सालॉन यानी B1 करके पेक्सालॉन करके भी जो भूरा माहो का जो दवाई आया था उसका भी किसानों के बीच जबरदस्त रिजल्ट था और चर्चा में था। जब पेक्सालॉन भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट था और लगभग 30 दिनों तक हमारे रस चूसक कीटों हमारे खेतों से रस चूसक कीटों को सुरक्षित करता था। उससे पहले जो है चेज भी बहुत चला था किसानों के बीच, चेज भी बहुत बेहतरीन दवाई है। पढ़ा कितना है कि चेज जो है 20 से 25 दिन तक हमारे फसल को सुरक्षित रखता था और कीड़ों को जो है धीरे धीरे करके मार देता था। किसान साथियों, चेस पहले आया था, उसके चेस जो है दानेदार फॉर्म में था और जो है पेक्सालॉन है वो लिक्विड फॉर्म में आया है और दोनों ही कारगर दवाई है। अभी तक किसानों ने इसी का ही जोरदार तरीके से प्रयोग किया गया है। अब जो है सिजेंटा जो है वेस्टोरिया करके जो है सिजेंटा कंपनी वेस्टोरिया करके जो है एक दवाई का लॉन्च किया है जो लगभग 35 से 40 दिन तक अपनी फसल को रस चूसक कीटों से सुरक्षित कर सकता है और इसकी डोज की बात करें तो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको दवाई को 200 लीटर पानी में जो है घोल बना के छिड़काव करना है और बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट माना जा रहा है। ये दवाई आपकी दोनों तरीके से काम करेगा और इसकी जैसे B1 यानी पेक्सालॉन की तुलना करें तो इसकी संरचना की बात करें तो ट्राइफोल मेजोपायरिंग जो है पेक्सालॉन में आपको 10% देखने को मिलता था, वहीं हम जो है जो सिजेंटा की नई दवाई में यानी विस्पिरिया में आपको ट्राइफोल मेजोपायरिंग 20% की देखने को मिलता है। मतलब इसकी रिजल्ट जो है इसमें जो है फार्मूले की डोज को डबल कर दिया गया है पेक्सालॉन से, तो इसमें जो है इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा और वहीं आपको दानेदार यानी भूसा की तरह दानेदार फॉर्म में मिलेगा। किसान साथियों, वीडियो जानकारी लायक लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित तथा दवाइयों के संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।